Cause I just wanna go, go, go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक्निकल रिव्यूज में आपका स्वागत है। मंडे आ चुका है, आ गया हूँ फिर से मुंबई और आपको जबरदस्त गर्मा गर्म ताजा खबर देने वाला हूँ हमेशा की तरह। वैसे आज टेक न्यूज लेट आ रही है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पहले 12 बजे सैमसंग, फिर 4 बजे पोको और टेक न्यूज को थोड़ा आगे शिफ्ट करना पड़ता है, वरना नोटिफिकेशन में झोलझाल हो जाता है। एक चीज मुझे आपसे शेयर करनी है दोस्तों, 5 से 6 साल हो गया मुझे यूट्यूब पर। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, टॉप 10 टेक क्रिएटर्स में से हम जाने जाते हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पिछले कुछ दिनों से मैं यूट्यूब स्टूडियो में गया, एनालिटिक्स में जाके मैं सब्सक्राइबर काउंट्स देख रहा हूँ, मेरे गिरते जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। हम डेली टेक न्यूज देते, लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स करते, कंपैरिजंस भी अच्छे से कर रहे, रिव्यूज कर रहे और भी अपग्रेड किया सेटअप, अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करते, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा क्या, कितने सीनियर क्रिएटर से इंग्लिश चैनल, उनका आपको तो पता ही है मैं किन की बात कर रहा हूँ, उनके भी सब्सक्राइबर्स काउंट गिर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। डीमोटिवेट फील होता है क्योंकि आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट दिया मुझे इन सालों में, मैं यहां तक पहुंचा हूं और आपके सपोर्ट से ही मुझे आगे जाना है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, कर लीजिए, वो जोश मेरे अंदर लेके आइए, क्योंकि मुझे बड़ा लो फील होता है जब मैं ऐसा देखता हूँ। हमें 3 मिलियन पहुंचना था, कब का हम सोच रहे थे, अभी तक तो पहुंचे नहीं, 1 साल के ऊपर हो गया। लेकिन एनीवेज, हम हौसला, हमारे हौसले बुलंद है, हाँ हम हार नहीं मानेंगे। आप लोग सपोर्ट प्यार बनाए रखना, शेयर करिए वीडियोस और सब्सक्राइब करिए जितना हो सके, सपोर्ट बनाए रखना। पोल की बात करें, शाओमी रियलमी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा शाओमी, अभी भी रियलमी को काफी वक्त लगेगा ऊपर जाने के लिए। एनीवेज, लाइक करते रहिए दोस्तों, खूब सारे लाइक्स करिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। सैमसंग गैलेक्सी F02S और F12, उनकी F सीरीज में दो और नए मेंबर्स आ चुके हैं, लेकिन ये एकदम अफोर्डेबल रेंज के, 9000 से स्टार्ट होता है F02S 332 और 10000 का है 464। F12 जो है वो 11000 से स्टार्ट होता है 464, 12000 का है 4128। वैसे इन पर शायद कुछ ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं। दोनों में बड़ी डिस्प्ले है, लेकिन जो F12 उसमें 90Hz रिफ्रेश रेट है, F12 में 6000mAh की बैटरी, F02S में 5000 की है। F12 में Exynos 850, F02S में Snapdragon 450 और ठीक ठाक फोन है, बाकी तो देखते हैं, हमारे पास तो आया नहीं। जब आएगा, अगर आपको अनबॉक्सिंग चाहिए तो कमेंट में बताइए, इसकी अनबॉक्सिंग भी लेके आएंगे। वैसे OnePlus ने इंडिया में दो नए ट्रेडमार्क्स फाइल कर दिया है, एक है OnePlus Life, ये शायद लाइफस्टाइल से रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, और दूसरा है OnePlus Pay, हाँ पेमेंट वाली की बात हो रही है, पे। तो ये OnePlus Pay जो है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर, अब देखा जाए तो ज्यादातर ये जो है ना, इधर उधर का देख के ही करता है, ज्यादातर तो सब कॉपी ही करता है। कुछ ऐसी चीजें उसने किया रहेगा अच्छी, लेकिन बहुत सारी चीजें तो वो कॉपी करता है। अब देखते हैं दोस्तों क्या चीजें हैं OnePlus Life, OnePlus Pay, जो भी होगा हमें धीरे धीरे पता चलेगा। Realme Narzo 30, फिलहाल के लिए ये माधव लीक से खबर नहीं आ रही, ये ऐसी बस Geekbench पर लिस्ट हो गया था। जी हाँ, इसमें Helio G95 चिपसेट दिखाई दे रही है। अब ये उसका 4G वेरिएंट है, वैसे इसमें आपको एक 5G भी मिलेगा, जो माधव शेट ने खुद पहले कंफर्म किया था। तो Realme Narzo 30 का जो 4G वेरिएंट है, Helio G95 के साथ में आएगा, ऐसा यहाँ पर लिस्टिंग से पता चल रहा है। देखते दोस्तों 5G वाला जो होगा वो क्या खास होता है और ये कितना जल्दी आता है। इसी महीने आएगा, जब भी आएगा आपको जरूर से बताऊंगा। आज की सबसे दुखद खबर की बात करें, वो आ रही है LG की तरफ से। LG वालों ने आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि उनका जो स्मार्टफोन डिवीजन है, वैसे उनके 5 डिवीजन है, उसमें जो स्मार्टफोन डिवीजन है वो कंप्लीटली शट डाउन कर रहे हैं। पिछले कई सालों में उनको 33,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कितना? 33,000 करोड़, बहुत ज्यादा होता है भाई, मैं तो बर्बाद हो जाता। खैर, अगर मैं उसका CEO होता तो मैं बोल रहा हूँ। LG दोस्तों आपको बताया, अभी भी नॉर्थ अमेरिका में, जब उन्होंने स्मार्टफोन डिवीजन क्विट किया, नॉर्थ अमेरिका में नंबर 3 पर है आफ्टर एप्पल एंड सैमसंग। सोचो, अभी फिलहाल के लिए जिनके पास LG के फोन से, उन्होंने कहा है कि ठीक है थोड़ा टाइम तक अपडेट्स वगैरह देंगे, लेकिन उसके बाद टाटा बाय बाय, खत्म, गुड बाय, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बोल दिया। आपको एक और चीज़ बता दूँ, अल्ट्रावाइट सेंसर वाले फोन्स LG ने सबसे पहले लाया था, और WQHD+ वाला जो फैशन था ये LG ने ही यहाँ पर शुरू किया था। हमारी तरफ से हम LG को अलविदा करते हैं एक बहुत ही दुखद शायरी के साथ। अर्ज किया है, अब चालू तो करने दे यार, अर्ज किया है विदाई की घड़ी आई है सबके आंखों पर आंसू लाइए, विदाई की घड़ी आई है सबके आंखों पर आंसू लाइए, आपके पूरे वो हर ख्वाब दुआ ये सबके जुबा पर आई। वैसे दोस्तों Xbox Series X जब ये आया कंसोल, तो इसका जो शेप था ना वो रेफ्रिजरेटर की तरह, फ्रिज की तरह लग रहा था, और लोगों ने उसको ट्रॉल भी खूब किया था। इस बात को Xbox वालों ने खूब सीरियसली ले लिया। हाल ही में ट्विटर के ऊपर एक कॉम्पिटिशन चल रहा था, वो कॉम्पिटिशन वो लोग जीत गए और उन्होंने बताया कि अब हम हमारा Xbox मिनी फ्रिज भी लेके आएंगे। हाँ, फ्रिज रेफ्रिजरेटर। खैर, ये मेरे को लगता नहीं कि पब्लिक के लिए ओपन करेंगे, तो ये बस ऐसे उन्होंने कॉम्पिटिशन जीता, तो उन्होंने कहा कि हम अपना मिनी फ्रिज भी लेके आ रहे हैं। इमेजिन Xbox वाले का मिनी फ्रिज, कल को ये लोग फोन भी लाएंगे, चड्डी बनियान सब लेके आएंगे। बोलो
डेटा ले लो, फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल, ईमेल आईडी सब उसके अंदर है। आइए आइए सब आइए सब आइए सब आइए। हाँ, वो दिन दूर नहीं है जब मार्क ज़करबर्ग रस्ते पर आएंगे ठेला लेकर सबके डेटा ऐसे खुलेआम बेचेंगे। अभी तो पीछे से जा रहा है लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा। आपको बताया दोस्तों, हाल ही में इतना बड़ा डेटा लीक हुआ है फेसबुक पर, 533 मिलियन यूजर्स का, 50 करोड़ से ज्यादा। इसमें से सब अमेरिका में 32 मिलियन, पागल हो गए रहेंगे वहां पर लोग। इंडिया भी है 6 मिलियन लोग। और ये सारे इंफॉर्मेशन ऐसे ऑनलाइन लीक हो गए और जो लीकर है वो मस्त खुलेआम बांट भी रहे। ये पहली बार नहीं हुआ है फेसबुक के साथ, बहुत बार हुआ है। और अभी तो हमें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे डेटा लेके जाओ, बेचो, जो करना है करो, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है। वैसे Xiaomi का जो Mi 11X है, ये इंडिया में मे बी Redmi की 40 का जो रीब्रांड है ऐसा बोल रहे, जो आएगा ना उसकी प्राइस भी यहाँ पर दोस्तों लीक हो गई है। 25,000 रुपये, 6GB रैम, 120GB स्टोरेज। अगर ये प्राइस पर आता है दोस्तों तो Redmi की 40 कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, किलर स्मार्टफोन है। तो ऐसे यहाँ पर सिर्फ लीक आई है कि जो Mi 11X है उसकी इंडिया प्राइस यहाँ पर बाहर आ चुकी है। अभी सच है झूठ इसके बारे में नहीं पता, लेकिन सपने तो हम दोस्तों बहुत ज़्यादा देखते हैं। बाय द वे दोस्तों, दूसरी तरफ MIUI 12.5 अगर आप उसका इंतजार कर रहे थे तो ये आपको मैं सारे एलिजिबल डिवाइसेस की लिस्ट दे रहा हूँ, इन सब में आपको मिलेगा। तो ढूंढ लीजिए गौर से आपका इसमें फ़ोन है या नहीं है, अगर नहीं है तो सॉरी, अगर है तो बल्ले बल्ले करते रहिए। इंडिया में दोस्तों जियो ने क्वालकॉम के साथ मिलकर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसा गेम नहीं बल्कि उसके अंदर ही एस ई स्पोर्ट्स चैलेंज टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है। 25 लाख रुपए दे रहा है वो जो लोग जीतेंगे उनको। इसमें सोलो भी है, सिंगल भी है और टीम में भी है। तो 11 अप्रैल और 30 अप्रैल तक अलग अलग कैटेगरी में आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, उतना आपके पास टाइम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक ढूंढने की कोशिश करूंगा, आप जाके अगर मिल जाएगी तो वहां पर जाके रजिस्टर कर लेना। तो गेमिंग में अगर आप बहुत ज्यादा अंदर घुसे हुए, कॉल ऑफ ड्यूटी ज्यादा अच्छे से खेलते हैं तो जाइए पार्टिसिपेट करिए, क्या पता बैठे बैठे 25 लाख रुपए आपको मिल जाए। मैंने न्यूज बताया ना, तो 2 लाख मेरे को भी भेज देना। जब Realme 8 सीरीज आई तो लोगों को इतना मजा नहीं आया, हमने भी आपको उसके बारे में खुला बता दिया था। खैर, अभी ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है कि Realme 8 5G और Realme 8 Pro 5G ये दोनों हमें इंडिया में बहुत जल्दी मिलेंगे। ऐसा Realme वालों ने खुद किसी का रिप्लाई करके ट्विटर के ऊपर कमेंट में बता दिया। तो यस, ये कंफर्म्ड हो चुका है। तो अगर आपने 4G ले लिया रहेगा Realme 8 सीरीज का तो आई एम सॉरी, लेकिन अगर आप वेट कर लिए थे तो मे बी वेट करिए, इनमें क्या पता अच्छी चिपसेट मिले जिससे आपका काम अच्छा हो जाए। आने दीजिए, अप्रैल में हमें इसके बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी। क्या आपको पता है दोस्तों, माइकल जैक्सन, लेजेंडरी माइकल जैक्सन जो हमारे बीच नहीं है, 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जब हादसा हुआ था तो वो उस वक्त उनकी मीटिंग थी वहाँ पर, लेकिन सुबह में वो इतना सो गए थे कि मीटिंग में जा ही नहीं पाए, वरना वो पहले ही हमें छोड़ के चले गए होते। जी हाँ, आज की न्यूज़ देखा तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। पसंद आई ना? हाँ, तो लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।